सुना है सलमान के पीछे लड़कियां सिंदूर लेके घूम रही है, जहां सलमान मिलेगा वही मांग भर लूंगी। सिनेमा आजकल कुछ कुछ होता के किट एंड फैक्ट जो आप बिल्कुल नहीं जानते, बहुत अचंभित रह जाएंगे इन तथ्यों को जानने में। फर्स्ट, इसमें रानी मुखर्जी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। जी हाँ, फर्स्ट चॉइस थी ट्विंकल खन्ना, अपने करण जौहर की बचपन की क्रश। मतलब करण जौहर भी प्यार करते थे, मतलब वो पहले ऐसे नहीं थे, आप समझ जाओ, बाद में ऐसे हुए हैं। तो लड़की से प्यार करते थे वो, मतलब तो ट्विंकल खन्ना उनकी क्रश थी। और तो फर्स्ट उनको ही ऑफर किया गया था, लेकिन वो रोल जो रानी मुखर्जी निभाया है एक शाहरुख और काजोल के सामने, वो नहीं, रोल कौन कौन करता है ना, तो कोई भी नहीं कर पाता ना एक ना, मतलब उस टाइप का रोल। तो मना किया, फिर काजोल ने उनको बोला कि मेरी एक सिस्टर है गुलाम अभी करी है, उसको पल लेते हैं, वो कर लेगी फिल्म। फिर रानी मुखर्जी आई, रानी मुखर्जी को जो यहाँ से पीक मिली यहीं से हिट हुई है। लेकिन इस फिल्म के लिए करण जौहर जावेद अख्तर के हाथ पैर जोड़ दिए, एक साल डेढ़ साल उनके भाई से गाना लिख दो सर लिखे ही नहीं गा जावेद अख्तर। वो बोले कि ये फिल्म मेरे को पसंद नहीं आ रही तुम्हारी, लेकिन उनको टाइटल सॉन्ग दे दिए। तुमको शाहरुख और एक बार करण जौहर उनके घर पर चले गए, बोले कि सर गाने का कुछ तो लिख दो। तो क्या यार, तुम नाम क्या रखे हो, कुछ कुछ होता है, ऐसा कोई नाम होता है, तुमको क्या चाहिए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ, हाँ ये होता है कि जा ले जाओ उसको, ले जाओ फ्री में ले जाओ, दे दिए। फिर समीर ने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और इस फिल्म में सेकंड लीड रोल के लिए तो कोई नहीं, शाहरुख एंड काजोल के सामने भाई सेकंड लीड रोल एज ए कौन निभाएगा, है ना। बहुत सबको ऑफर किया गया रोल, ठीक है। चंद्रचूड़ के गर्ल तो ऐसा सीन हुआ कि चंद्रचूड़ को फ़ोन किया करण जौहर ने कि आपसे मिलना है, मेरे एक फिल्म में काम के लिए, फिल्म के लिए आपको चाहिए। ठीक, आप कहाँ रहते हैं? मतलब मैं फोर बंगलों में रहता हूँ। अच्छा, फोर बंगलों में रहते, लेकिन बंगला कौन सा है आपका? फोर बंगलों एक एरिया का नाम है, ठीक है, बॉम्बे का। तो उस आप करण जौहर बॉम्बे में रहता है, उसको पता नहीं उसको फोर बंगलों कौन सा है, बताओ कहाँ किधर कौन क्या रहता है। चंद्रचूड़ के घर गए, वो सुना है उनको सेकंड सीन अपना सलमान खान वाला, तो चंद्रचूड़ सुने और आ रहा हूँ बोल के बेड में गए, सो गए। चार घंटा वेट किया करण जौहर ने, कब आएंगे तब आएंगे, सोचो। मतलब एक ऐसा नहीं बनता है आदमी, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली फिल्म थी और धर्मा प्रोडक्शन को बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, हाँ बड़े बड़े साथ साथ काम करते थे, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी ना। उसको करण जौहर ने बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, ठीक है। तो ऐसे करण जौहर ने बहुत मेहनत किया, स्टार्टिंग में सब उसको मिल गए थे, लेकिन बहुत चीज़ें उसको नहीं मिल रही थी, ठीक है। सलमान खान से उनकी मुलाकात, एक चंकी पांडे की पार्टी चल रही थी, तो वहाँ सलमान खान भी थे और करण जौहर उस पार्टी में आए काफ़ी दौर से, क्योंकि सब कुछ रेडी था उनके पास, फिल्म फ्लोर पे थी और सेकंड लीड नहीं मिल रहा था, ना सेकंड लीड बहुत इंपॉर्टेंट था, सेकंड लीड खुद को और कोई नहीं करना चाह रहे थे और नए न्यू फेस को लेना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो और न्यू फेस उसमें जमता भी नहीं, उसमें एक सेकंड हीरो के टाइप का ही रोल उसमें जमता, ठीक है। तो सलमान खान ने पूछा करण जौहर से, क्यों करण तेरी हो गई शॉपिंग? तो शॉपिंग, अरे तो पिक्चर बना रहा है ना, शॉपिंग कर रहा है हीरोज़ की, कोई नहीं करने वाला, मैं करूँगा। फिर तो सलमान खान ने किया, फिर उन्होंने पूछा उससे कि आप इतनी बड़ी फिल्म शाहरुख खान के साथ आप लेवल की हीरो ना, आप क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बाप के लिए कर रहा हूँ, मतलब डैडी के लिए कर रहा हूँ। इस फिल्म ने 10 करोड़ का बजट था फिल्म का, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस किया था, बहुत बड़ी हिट हुई थी, ठीक है। इसके म्यूजिक सोनी राइट्स ने उस समय 6 करोड़ रुपए में खरीदे थे, ठीक है। इसके और इस सोनी म्यूजिक की पहली फिल्म यहीं से स्टार्ट किया था। सोनी म्यूजिक पहले वो एल्बम्स बनाता था, ठीक है, और उन्होंने फिल्म बनाना, फिल्म खरीदना, फिल्म के राइट्स खरीदना, बड़े टिप्स टी सीरीज विनर्स ये सब HMV ये सब खरीदती थी, लेकिन ये और इसी से उन्होंने स्टार्ट की थी एज ए फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड फिल्मों को खरीदना और उनके कैसेट्स बेचना। तो ये थे कुछ कुछ होता के 10 फैक्ट्स जो आप शायद जानते होंगे, शायद जानते होंगे तो अच्छी बात है। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तो बहुत शुक्रिया और शबक है मेरे दोस्तों।